ਨਾ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ Welcome back to my today's video. I am sharing a requested video highly. तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा कि किसने मुझसे बोला था कि ये आप एवरीडे मेकअप लुक शेयर करें. अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये एवरीडे मेकअप लुक कैसा लगा. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विदाउट वेस्टिंग टाइम. कर रही हूँ मेकअप को स्टार्ट. सबसे पहले तो मैं अपने हेयर को टाई कर लूँगी क्योंकि हेयर को टाई नहीं करूँगी तो मेकअप सारा उसमें लग जाएगा. तो मैंने टाई कर लिया. नेक्स्ट आई एम यूजिंग SPF क्रीम लोटस की. अगर आपके पास कोई सी है तो वो भी यूज़ कर सकती हैं क्योंकि अपन बाहर जाते हैं तो धूप होती है तो उसके लिए अच्छी रहती है SPF क्रीम. और ये प्लस प्लस है तो ये काफ़ी अच्छी है और स्किन के लिए. तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग गुड वाइब्स डे क्रीम एज ए मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ मैं इसको. तो क्योंकि मेरी स्किन ड्राई इस चक्कर में मैंने मॉइस्चराइज अब पूरे फेस पे मैंने इसको अप्लाई कर ली है अच्छे से. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग NYB सीरम बिकॉज मैंने यहाँ पर प्राइमर को स्किप कर दिया है और इस मेकअप लुक में मैंने कम से कम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ किए हैं. तो मैंने सिर्फ दो ट्यूब लेके पूरे फेस पे लगा ली है अपने चिक्स पे मतलब. नाउ नेक्स्ट आई एम यूजिंग म्यूज़िक फ्लावर जेल लाइनर और ये ब्राउन है और मैं अपनी आईब्रो को डिफ़ाइन कर रही हूँ ताकि अट्रैक्टिव लगे. तो मैंने बस इसको डिफ़ाइन कर लिया है दोनों आईब्रो को अच्छे से और मैंने इसको थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया है ताकि ज़्यादा नहीं लगे आईब्रो. तो नेक्स्ट आई एम यूजिंग क्रायलोन कंसीलर और क्रायलोन कंसीलर मैंने आईब्रो को फुल किया था इस चक्कर में मेरे को यूज़ करना पड़ा इसको ओनली आईज़ पे और मैंने इसके अंदर कोई फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है. अब मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी अच्छे से और इसको सेट करने के लिए मैं यूज़ करूँगी मेका कॉम्पैक्ट पाउडर. आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं एनी कॉम्पैक्ट पाउडर. तो मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है. तो ये मैंने ले लिया कॉम्पैक्ट पाउडर और कॉम्पैक्ट पाउडर ही मैं पूरे फेस पे लगा लूँगी अपने. मैंने मेक कॉम्पैक्ट को एज ए फाउंडेशन फुल फेस पे लगाया है और नेक पे मत भूना लगाना क्योंकि ओवर लगेगा नहीं तो. तो अब मैंने यूज़ कर रही हूँ ये सीज बेटी की ब्लशर पैलेट. इसमें से मैंने लिया है पिंक कलर पिक किया है इसके अंदर और क्लीन ब्रश लेके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है अगर आई शेडो लगाते हैं तो अपन. तो मैंने इसको ब्लेंड कर रही हूँ अच्छे से. आई एम यूजिंग लाइनर. तो लाइनर तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मेकअप के लिए. तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ NYB का और ये काफ़ी अच्छा जेट ब्लैक लाइनर है. तो मैं सिर्फ A1 लाइन ही ड्रॉ कर रही हूँ, विंग लाइनर नहीं ड्रॉ कर रही क्योंकि एवरीडे मेकअप लुक है. इस वजह से काफ़ी अच्छे से ड्रॉ हो जाता है इससे NYB के. तो मैंने दोनों आईज़ पे लगा लिया है. काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे, मैंने कम आउट निकाला था जो. अब मैं यूज़ कर रही हूँ ellwin की लिपस्टिक. पिंक शेड है इसका. शेड नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा बाय लिंक सब. तो ये काफ़ी अच्छा कलर लगता है मुझे डेली यूजेस के हिसाब से क्योंकि डार्क कलर तो लगा नहीं सकते. तो पिंक सबसे अच्छा और एज ए ब्लशर ही मैं इसको यूज़ कर रही हूँ और इसको मतलब एज ए ब्लशर यूज़ करती हूँ तो काफ़ी अच्छा सा ब्लश हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है ये. तो मैं इसको ऐसे ही यूज़ करती हूँ ज़्यादा ये वाले शेड को. तो देखो कितना अच्छा कलर निकल गया है. और अब मैं नेक्स्ट यूज़ कर रही हूँ सीरियस ब्यूटी की ब्लशर प्लेट में से हाईलाइटर. तो मैंने कम ही हाईलाइटर लगाया, आपको दिख ही रहा होगा. तो ये इसको भी ब्लेंड कर लूँगी मैं ताकि कोई ओवर ना लगे. तो इनर कॉर्नर में भी यही लगा रही हूँ मैं हाईलाइटर. तो मेकअप इज़ डन. अगर ये मेकअप लुक आपको पसंद आया तो